रासायनिक बलगति विज्ञान से आज हम आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका रासायनिक क्वेश्चन मैं पढ़ के बताए दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए या क्या होता है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अर्थात टी हाफ ये दिया हुआ है। इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अब आप लोग गौर से सुनिएगा, नोट्स भी लिख लीजिए। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई में हो। अब यहां पे चूंकि दिया गया है आपका कि पदार्थ की सांद्रता 50 सेकंड में प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अर्थात आधी रह जाती है, तो इसका मतलब ये बोल रहा है अर्ध आयु काल। इसका अर्ध आयु काल कितना है आपका 50 सेकंड। 50 सेकंड है, अर्ध आयु काल को हम T1/2 से प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, जैसे ये आपका अर्ध आयु काल हो गया, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमारा सूत्र है वेग स्थिरांक का 0.693/T½। तो अब इस सूत्र के माध्यम से हम लोग चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पे कितना दिया हुआ है आपका 50 सेकंड। तो यहां पे इसको वेग स्थिरांक को दोस्तों हम के से प्रदर्शित करते हैं, तो के बराबर 0.693 T½, अर्थात अर्धायु काल, इसको बोलते हैं अर्धायु काल। अर्धायु काल आपका कितना है 50/50 हम लोग लिख देंगे यहां पे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको हमको हमारा के बराबर 1.38 × 10⁻²² सेकेंड इनवर्स। ये देखिए इसका ये मात्रक है, अर्थात मतलब वेग स्थिरांक का मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है, और इसका आंसर आ गया 1.38 × 10⁻²। इसको आप काट पीट खुद करिए और बताइए। मैं इसी तरीके आपको वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपका 2012 में पूछा गया, 9 में पूछा गया, 7 में, 5 में पूछा गया और 4 में पूछा गया। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो अर्धायु काल इसी तरह निकाला जाता है, इसके मैं कई वीडियो दे रहा हूँ, वेग स्थिरांक निकालने की कई वीडियो मैं दे रहा हूँ। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।